आदर्श ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम थर्मोडाइनमिक्स का पिछली क्लास में हमने शून्य के नियम प्रथम नियम दोनों पढ़ लिए थे, अब उसके आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। शून्य के नियम का सार ताप है। प्रथम नियम हमने पढ़ा था डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, दोनों हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में अब हम आगे से अध्ययन करेंगे तो ऊष्मागति की क्या, उसके आगे हम विभिन्न प्रक्रमों के दौरान किए गए कार्य की गणना भी हमने कर ली थी। समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य, समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य, ऐसे हमने विभिन्न प्रक्रमों के दौरान किए गए कार्य का व्यंजक यानी डब्लू का मान ज्ञात किया था। अब हम और होते हैं विभिन्न प्रकार के दो, एक प्रक्रम होते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, उनके बारे में अब हम आगे से अध्ययन करेंगे। अब आगे हमारा टॉपिक है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, सबसे पहले देखो हम उत्क्रमणीय प्रक्रम की चर्चा करेंगे। उत्क्रमणीय प्रक्रम आप भी साथ साथ में इनकी हेडिंग और इनके बारे में जो डिटेल के जो नोट्स है वो बनाते रहना। जैसे जैसे बोर्ड पे हेडिंग डाली जा रही है आप अपनी कॉपी में वैसे वैसे हेडिंग डालते रहना, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे इनके बारे में डिटेल से लिखते जाना ताकि नोट्स भी साथ साथ में बन जाएंगे। उत्क्रमणीय प्रक्रम, थोड़ा सा ये ग्राफ देखिए, ये कोई पीवी सूचक आरेख है, ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, और एक निकाय ए से बी तक आता है। कोई निकाय है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक आता है और वापिस उसी पथ पर वापिस जाता है। तो इस पीवी सूचक आरेख को ध्यान से देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम कौन सा प्रक्रम है, वे प्रक्रम जिनमें बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन करने पर, बाह्य परिस्थितियों में लघु परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, वे प्रक्रम जिनमें बाह्य परिस्थितियों में लघु परिवर्तन करने पर उत्क्रमित पथ में, उत्क्रमित पथ यानी उल्टा पथ, उत्क्रमित पथ में पुनः उसी पथ को दोहराए, यानी ए से बी तक आने में ये पथ जिस, ये निकाय जिस रास्ते से आ रहा है वही रास्ते पर बी से ए की ओर ये जाने में तय करता है। यानी इस निकाय में कोई परिवर्तन ए से बी तक होता है, वही परिवर्तन वापिस यानी उत्क्रमित पथ में होने में उसी रास्ते पर उसी पथ से ये निकाय बी से ए की ओर जाता है। यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहेंगे, तो हम ये कहेंगे ऐसा प्रक्रम जिसमें बाह्य परिस्थितियों में लघु परिवर्तन करने पर निकाय उत्क्रमित पथ में वापिस उन्हीं बिंदुओं से गुजरे जिन बिंदुओं से अग्र दिशा में निकाय गुजरा था। यानी यह कोई निकाय है, इस निकाय में ये निकाय अग्र दिशा में ए से बी की ओर जा रहा है, यदि कोई निकाय, ये कोई निकाय है और उस निकाय में कोई परिवर्तन अग्र दिशा में ए से बी की ओर आए हो रहा है, तो उत्क्रमित पथ में ये बी से ए की ओर, ये कौन सा पथ है, उत्क्रमित पथ यानी विपरीत क्रम, उत्क्रमित दिशा में या विपरीत दिशा में उन्हीं बिंदुओं से जा रहा है जिन बिंदुओं के दौरान
ए से बी आने के दौरान ये निकाय गुजरा था, उन्हीं बिंदुओं से उत्क्रमित दिशा में ये निकाय गुजर रहा है। यानी ए से बी आने में जो बिंदु है वही बिंदु बी से ए आने में हमें प्राप्त हो रहे हैं। यानी हम ए से बी आने में उन्हीं बिंदुओं से गुजर रहे हैं जिन बिंदुओं से हम बी से ए की ओर जा रहे हैं। यानी इस निकाय के यानी उत्क्रमण या प्रक्रम में जितने बिंदु है इस निकाय के इस रास्ते पे इस पथ पे जितने बिंदु है उन्हीं बिंदुओं पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी इस निकाय में जैसे हम आ रहे हैं उन्हीं रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। यानी उत्क्रमित पथ के किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी किसी भी प्रकार का कोई अवस्था परिवर्तन नहीं है तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। यानी हम पीवी सूचकार्य से बी से समझ सकते हैं कि ए से बी आने में अग्र दिशा का प्रयोग हो रहा है और बी से ए आने में उत्क्रमित दिशा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन वही बिंदु जो ए से बी आने में गुजर रहे हैं वही बिंदु बी से ए जाने में गुजर रहे हैं तो ऐसा प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। और उत्क्रमणीय प्रक्रम की प्रत्येक बिंदु पर किसी भी बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर या जितने भी बिंदु है सारे बिंदुओं में पर किसी भी प्रकार की अवस्था में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अब देखिए अगला प्रक्रम है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अगला प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। आप भी साथ साथ में हेडिंग लगाते जाएं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम देखिए इसी में हम पीवी सूचकार्य से समझेंगे। वाई एक्सिस पर दाब पी, एक्स एक्सिस पर आयतन वी। एक और देखिए दूसरा पीवी सूचकार्य। आयतन एक्स एक्सिस पर, दाब वाई एक्सिस पर। वे प्रक्रम जो चक्रीय होंगे लेकिन वापिस उत्क्रमित पथ में उस पथ का पालन न करे जिस पथ से अग्र दिशा में निकाय ने पालन किया था वह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। वे प्रक्रम जो चक्रीय तो होंगे लेकिन उस पथ का पालन न करे या उस पथ के उन बिंदुओं से न गुजरे जिन बिंदुओं के दौरान हम अग्र दिशा में जाने के दौरान निकाय में गुजरे थे उन बिंदुओं से हम पश्च दिशा में या उत्क्रमित दिशा में या वापस आने में निकाय के उन बिंदुओं से हम नहीं गुजरेंगे जिन बिंदुओं से हम निकाय में ए से बी बिंदुओं तक जाने के दौरान गुजरे थे। जैसे अब देखिए पीवी सूचक आरेख से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला ग्राफ देखिए इसमें कोई निकाय है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तीर का चिन्ह देखिए हम ए से बी तक जा रहे हैं बी से ए भी जा रहे हैं लेकिन दोनों स्थितियों में जाने के दौरान बी से ए जाने के दौरान जिन बिंदुओं से हम गुजरे वो बिंदु ए से बी तक आने में अग्र दिशा के दौरान हमें नहीं प्राप्त हुए थे।
यानी आने में और जाने में जो बिंदु में प्राप्त हुए वो अलग अलग थे। दूसरा देखिए, इस पीवी सूचक आरेख में ए से बी तक हम आ रहे हैं। यहाँ पर ए से बी आने के दौरान निकाय गुजर रहा है और इस निकाय पर गुजरने के दौरान इस पथ पर हमें कई बिंदु मिले, बहुत सारे बिंदु मिले, हम सभी बिंदुओं से गुजर रहे हैं ऐसे। अब हम देखिए अगली स्टेप में निकाय बी से ए पर आ रहा है या निकाय बी अवस्था से ए अवस्था पर जा रहा है, लेकिन उन बिंदुओं से नहीं गुजर रहा है जिन बिंदुओं के दौरान अभी अभी हम अग्र दिशा में ए से बी आने के दौरान गुजरे थे, उन बिंदुओं से अब हम नहीं गुजर रहे हैं, यानी पथ की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अर्थात परक्रम कौन सा है? अनुत्क्रमणीय परक्रम है। यदि पथ की पुनरावृत्ति हो जाए अग्र दिशा में आने के दौरान, जिन पथ से हम गुजरे उसी पथ से अगर हम वापस जाएं, यानी पथ की पुनरावृत्ति हो जाए, तो कौन सा परक्रम होगा? उत्क्रमणीय परक्रम होगा। उत्क्रमणीय परक्रम होगा, ये नोट कर लो, पथ की पुनरावृत्ति। पथ की पुनरावृत्ति कौन से परक्रम में हो रही है? उत्क्रमणीय परक्रम में हो रही है। जबकि पथ की पुनरावृत्ति ना हो वो परक्रम कौन सा होगा? अनुत्क्रमणीय परक्रम। पथ की पुनरावृत्ति नहीं। एक बार दोबारा से देखिए दोनों प्रक्रमों में। वे परक्रम जिनमें बाह्य परिस्थितियों में लघु परिवर्तन करके उत्क्रमित करने पर उस पथ का पालन न करे जिस पथ के दौरान हम अग्र दिशा में आए थे ए से बी तक, यानी अग्र दिशा में जाने के दौरान निकाय जिन बिंदुओं से गुजर रहा है उन बिंदुओं से निकाय वापिस बी से ए आने में या उत्क्रमित पथ में निकाय ना गुजरे वो परक्रम उत्क्रमणीय परक्रम कहलाता है। अब देखिए उत्क्रमणीय परक्रम में पथ की पुनरावृत्ति होती है या पथ की पुनरावृत्ति हो वो उत्क्रमणीय परक्रम होगा। अनुत्क्रमणीय परक्रम ऐसा परक्रम जो चक्रीय तो होगा, चक्रीय से तात्पर्य यानी वो किसी चक्र में घूम करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा। जैसे हम ए बिंदु से रवाना हो रहे हैं तो वापस ए बिंदु पर आ जाएंगे, ऐसा परक्रम या वे परक्रम जो चक्रीय तो होंगे लेकिन उन बिंदुओं या उस रास्ते या उस पथ से हम नहीं गुजरेंगे जिस पथ या जिस रास्ते या जिन बिंदुओं से हम अग्र दिशा में जाने के दौरान हम गए थे उन बिंदुओं से अब हम नहीं जाएंगे या हम पथ की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, वो कौन से परक्रम होंगे? वो अनुत्क्रमणीय परक्रम होंगे। और अब अगली बात देखिए, न्यूमेरिकल के लिए या न्यूमेरिकल हल करने के लिए कुछ हमें ये डेल्टा डब्लू मैंने लिख रखा है, इसके बारे में नहीं बताया। चित्र में डेल्टा डब्लू अनुत्क्रमणीय परक्रम समझाने के दौरान मैंने लिखा है, और जब हमने उत्क्रमणीय परक्रम का वक्र बनाया था उस दौरान उत्क्रमणीय परक्रम के दौरान मैंने एक ग्राफ बनाया था, वो ऐसा था, ऐसा ग्राफ बनाया था। यहाँ पे मैंने ए बिंदु लिखा था और थोड़ी सी दूर बाद में बी बिंदु दिखा था, ऐसा पथ बनाया था। यहाँ पर किसी भी लाइन में या इस वक्र में ये पीवी सूचक आरेख में किसी भी स्थान पर मैंने ये डेल्टा डब्लू नहीं लिखा था, लेकिन अनुत्क्रमणीय परक्रम पढ़ने के दौरान मैंने दो पीवी सूचक आरेख बनाए हैं और दोनों पीवी सूचक आरेख में मैंने डेल्टा डब्लू लिखा है। इसका मतलब अनुत्क्रमणीय परक्रम के दौरान या चक्रीय परक्रम के दौरान कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, और उस कार्य का मान मैंने ऐसे लिखा है अल्प कार्य है, यानी थोड़ा सा कार्य है, इसके लिए डेल्टा डब्लू रिप्रेजेंट किया है। डब्लू और डेल्टा डब्लू में अंतर है,
डब्लू यानी पूरा संपूर्ण कार्य, डेल्टा डब्लू अल्प कार्य यानी थोड़ा सा कार्य। अगर हम किसी भाग की या किसी निकाय या किसी छोटे से किसी भाग पर, छोटे से किसी निकाय पर, छोटे से किसी द्रव्यमान पर अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम डेल्टा शब्द प्रयोग करेंगे। अगर किसी निकाय या किसी वस्तु या किसी द्रव्यमान के संपूर्ण भाग पर या ब्रह्मांड के संपूर्ण भाग पर या किसी वस्तु के टोटल पर अगर हम कार्य कर रहे हैं या कुछ चीज़ की गणना कर रहे हैं तो उस पर टोटल लगेगा, यानी टोटल कार्य भी हो सकता है, टोटल शक्ति भी हो सकती है, टोटल जो भी होगा वो टोटल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उससे पहले डेल्टा नहीं लगेगा। अब देखो डेल्टा डब्लू इस चक्रीय ये जो चक्र बन रहा है, इस चक्रीय प्रक्रम द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल किए गए एक निकाय द्वारा कार्य के बराबर होता है, किए गए निकाय द्वारा या निकाय पर। इससे पहले निकाय पर या निकाय द्वारा इस पर हमने चर्चा की थी। निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक। अगर निकाय पर कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। लेकिन चक्रीय प्रक्रम में हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी निकाय है उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है या किया गया कार्य ऋणात्मक है? अगर चक्रीय प्रक्रम क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की दिशा में अगर दिया गया चक्रीय प्रक्रम चल रहा है तो उस चक्रीय प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। दोनों ग्राफों को देखिए, इसमें तीर का चिन्ह देखिए और ये तीर का चिन्ह हमारी घड़ी की सुई से मिलाइए। घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है, ऐसे ही ऐसे घड़ी की सुई में 12 होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे चलती है घड़ी की सुई। और हमारा ये तीर का निशान भी घड़ी की सुई की दिशा में ही चल रहा है, यानी चक्रीय प्रक्रम और ये घड़ी की दिशा का तीर और चक्रीय प्रक्रम का तीर दोनों एक ही दिशा में है, यानी क्लॉकवाइज है। तो इस चक्रीय प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है डेल्टा डब्लू बराबर प्लस पॉजिटिव। अब ये देखिए, इसका चिन्ह देखिए और हमारी घड़ी का चिन्ह देखिए, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर चक्रीय प्रक्रम द्वारा निर्मित इस वक्र का तीर, वक्र में तीर की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के विपरीत है, तो किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होगा और किया गया कार्य का मान, संख्यात्मक मान क्या होगा? इस चक्रीय वक्र का या इस चक्र का पूरे का क्षेत्रफल। ये चक्रीय प्रक्रम जितना एरिया घेर रहा है उसका पूरे का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला देखिए, अब हमने ऊष्मागतिकी का शून्य वा नियम पढ़ लिया था, उसके बाद हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा था, उसके बाद हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में अध्ययन किया है। अब हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई वो उसका अध्ययन करेंगे। उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सबसे पहले हम इसकी आवश्यकता पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की हमें आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? ऊष्मागतिकी के शून्य के नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ? एक हमें नई भौतिक राशि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? ताप।
उष्मागतिकी के शून्यांकी नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ? एक नई भौतिक राशि प्राप्त हुई और उसका नाम है ताप। उष्मागतिकी का प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ? उष्मागतिकी का प्रथम नियम जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने उस प्रथम नियम के दो भाग पढ़े थे, प्रथम कथन और द्वितीय कथन। प्रथम कथन में हमने ये पढ़ा था कि कार्य को उष्मा में और उष्मा को कार्य में बदला जा सकता है, और दूसरे कथन में हमने ये पढ़ा था कि उष्मा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है और उष्मा या ऊर्जा संरक्षित रहती है। एक तो हमने ये पढ़ा था कि कार्य को उष्मा में बदला जा सकता है और उष्मा को कार्य को उष्मा में और उष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। ये प्रथम नियम का प्रथम भाग था। और दूसरा भाग क्या था? दूसरा भाग यह था कि उष्मा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, उष्मा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, यानी अर्थात उष्मा संरक्षित रहती है। ये दोनों नियम, शून्यांकी और प्रथम नियम, दोनों नियम हमें ये नहीं बता रहे हैं, हमें ये नहीं बता रहे हैं कि किसी वस्तु का तापमान या किसी वस्तु की उष्मा एक दूसरे में कैसे परिवर्तित हो रही है, या ये दोनों नियम हमें ये नहीं बता रहे हैं कि उष्मा का स्थानांतरण या उष्मा का परिवर्तन किस दिशा में, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में होगा। ये दोनों नियम हमें इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम एक लाइन में या एक शब्द में यों कह सकते हैं कि ये दोनों नियम उष्मा का प्रवाह है या उष्मा का स्थानांतरण हमें नहीं बता पाए। उष्मा के स्थानांतरण को बताने के लिए या उष्मा की दिशा को बताने के लिए हमें द्वितीय नियम की आवश्यकता अनुभव हुई। यानी जैसे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ए और बी। ए का तापमान बी से कम है तो उष्मा का स्थानांतरण कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में होगा, ये दोनों नियम नहीं बता रहे हैं। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? उष्मागतिकी के द्वितीय नियम की हमें आवश्यकता अनुभव हुई। और उष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी ऐसे अलग अलग दो रूपों में दिया गया है, जैसे उष्मागतिकी का प्रथम नियम भी दो कथनों में या दो अलग अलग प्रकार से दिया गया था, उसी प्रकार उष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी दो कथनों में दिया गया है। देखिए, आइए दोनों कथन हम पढ़ेंगे। पहला कथन है उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का, पहला कथन है केल्विन प्लांक का कथन। केल्विन और प्लांक दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कथन दिया, यानी केल्विन प्लांक का कथन भी कहते हैं और इसे केल्विन प्लांक का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार, केल्विन प्लांक के नियम के अनुसार, किसी ऐसी मशीन या किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर के बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए उसे पूरी तरह से कार्य में बदल सके। अर्थात ऐसे इंजन का निर्माण असंभव है जिसकी क्षमता 100% हो।
यानी ऐसा इंजन हम नहीं बना सकते हैं जो किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर के और बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए बिना उसे पूर्णतः ऊष्मा में या पूर्णतः कार्य में बदल सके, ऐसे इंजन का निर्माण असंभव है। जैसे हम सीधी साधी भाषा में हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि एक मशीन है जो डीजल से चल रही है और उस मशीन में 5 लीटर डीजल डाल दिया तो पूरे का पूरा 5 लीटर डीजल या पूरे के पूरे 5 लीटर की डीजल की ऊष्मा कार्य में नहीं बदलेगी, कुछ ना कुछ कार्यकारी पदार्थ के रूप में उसमें बदलेगी, जैसे धुआं है या घर्षण के कारण हानि है, कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी। अर्थात ऐसा इंजन का निर्माण असंभव है जिसकी क्षमता या जिसकी दक्षता 100% हो। केल्विन प्लैंक का कथन या नियम इसे थोड़ा सा लिखिए। किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए उसे पूर्णतः ऊर्जा में बदल सके, अर्थात ऐसे इंजन का निर्माण असंभव है जिसकी क्षमता 100% हो। केल्विन प्लैंक के अनुसार ऐसे इंजन का निर्माण असंभव है जिसकी क्षमता 100% हो, अर्थात आदर्श इंजन का निर्माण करना असंभव है। केल्विन प्लैंक का कथन हमें ऐसे बताता है कि किसी भी मशीन की क्षमता या किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। अब ऊष्मा गति के केल्विन प्लैंक का नियम यानी पहला भाग है, ये दूसरे नियम का पहला भाग है। अब दूसरे नियम का हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरा भाग पढ़ने से पहले हम रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेटर दूसरे भाग में एक शब्द आएगा, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? एक ऐसी युक्ति या ऐसी मशीन है, जो किसी वस्तु या किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर के निम्न से उच्च में भेज दे, यानी ऐसी युक्ति जो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण कर सके, उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण कर सके।
कर सके, क्या कहलाती है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कहलाती है। यानी ऐसी युक्ति या ऐसी वस्तु जो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण कर सके, यानी बाह्य पदार्थ से या बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता है, या बाहर से या किसी स्रोत से या किसी सोर्स से ऊष्मा लेती है और उस ऊष्मा को निम्न ताप से यानी नीचे से ऊपर की ओर उस ऊष्मा को स्थानांतरण कर देती है, वह युक्ति क्या कहलाती है? रेफ्रिजरेटर कहलाती है। रेफ्रिजरेटर कहलाती है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे।